सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप डिजिटल लखपति बन चुके हैं। तो मैंने 4999 का एक कोर्स लॉन्च किया, ये सब कुछ मिला के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और 1,58,050 रुपए मैंने कमा चुका हूँ। जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की, जरूरत है एक्शन लेने की और कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहने की। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको अंग्रेजी आती है, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम एक्सपीरियंस हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, इट डज नॉट मैटर। एक चीज की जरूरत है, आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन रखते हैं कि आप सचमुच करना चाहते हैं तो आप 100% कर सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल इस अगले इंटरव्यू में आपको देने जा रहा हूं, जहां आपको एक उर्दू टीचर से मिलाना चाहता हूं। एक सिंपल वॉक फ्रॉम लाइफ में से एक सिंपल उर्दू टीचर जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखने की इच्छा जताई और जब डिजिटल मार्केटिंग सीखकर एग्जाम देने की बारी आई तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज उनकी लाइफ में होने लगे। कुछ कुछ हुआ, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अभी कंप्लीट नहीं कर पाए, अभी रचेता नहीं बन पाए, लेकिन रचेता बनने से पहले डिजिटल लखपति बन चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया और 30 दिनों के अंदर अंदर 1,50,000 रुपए से ज्यादा का अर्निंग कर चुके हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। आपको मिलाना चाहता हूं डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति वाहिद मुल्ला जी से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप डिजिटल लखपति बन चुके हैं। मैं इतना खुश हूं सर, मुझे क्या बोलूं, समझ में नहीं आया। फैंटास्टिक, चलिए सबके लिए एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम, आप कहां से हैं, क्या करते हैं और ये 1,50,000 रुपए आपने कैसे कमाया या एग्जैक्टली कितना कमाया, सब सबके लिए बता दीजिए। सबसे पहले मैं एक बहुत ही छोटी फैमिली से आता हूँ, जो ऑटो ड्राइवर हैं, हमारे वालिद साहब ऑटो ड्राइवर हैं। मैं गवर्नमेंट की उर्दू स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अब मेरे लिए इतने बड़े मकाम तक पहुँचना ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये संदीप बंसाली सर और ओमकार सर का सपोर्ट है जो मैं यहाँ तक पहुँच सकता। आप एक बड़े भाई की तरह हमें इतना आगे लेकर आए हैं और मैं आगे भी आपसे हमेशा जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह जुड़ा रहूंगा। थोड़ा सा मेरा बता देता हूँ कि मैंने ये सब कैसे किया सर के गाइडेंस में। सबसे पहले मेरा एक चैनल पहले से था, तकरीबन 2017 में मैं सऊदी से वापस आया था। मैं बेलगाम में रहता हूँ, कर्नाटका, और यहाँ काम ना होने की वजह से सऊदी गया था। वहाँ भी कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, फैमिली को छोड़ के ज़्यादा टाइम नहीं रह सका, मैं वापस आ गया। तो वापस आने के बाद एक चैनल बनाया जो 2023 तक भी, अभी 24 तक भी वो सिर्फ 18,000 या 20,000 कमाता था और ऑफलाइन भी थोड़ी बहुत कमाई मेरी हो जाती थी, जिसमें हमारी फैमिली थोड़ा सा गुजारे में अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी। मगर एक मरतबा मैं मोबाइल चला रहा था ऐसे ही, तो एक ऐड देखा डिजिटल आज़ादी का, जिसमें सर और बहुत सारे लोग 10 करोड़ का एक वो ट्रॉफी लेकर खड़े थे, एक लेकर खड़े थे जो आपके पीछे भी अभी लगा हुआ है जी। तो जी, उसको देखकर मैं सोचा कि ये इतने लोग अगर 10 करोड़ कमा सकते हैं, शायद कितने ही साल में हो, इनके साथ जुड़ना चाहिए। और उस वक्त मैंने उसमें नीचे एक लिंक आ रहा था, मैंने उससे अप्लाई किया और व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट आया और मैंने वेबिनार में ज्वाइन हुआ और वहाँ से मैंने आपका जो पहला कोर्स है जो सिल्वर वाला जी, उसको मैंने लिया और क्लासेस चल रही थी 30 डेज की। रोजाना सुबह मैं नमाज के बाद कुछ देर पढ़ाई करने के बाद इंतजार में रहता था क्लास कब शुरू होगी। ये मेरे लिए बहुत एक नया था क्योंकि मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता था। मैं जो कुछ अभी तक भी सीखा हूँ वो गूगल ट्रांसलेट से करता हूँ कि उसको उर्दू में कन्वर्ट करता हूँ और फिर
अप्लाई करता हूँ। एक जी मोबाइल में इधर क्लास सर की चलती रहती है, यहाँ मैं लैपटॉप पे वो सब कुछ उर्दू में कन्वर्ट करके करता रहता हूँ। तो चौथे दिन की क्लास चल रही थी, जो 9 प्रिंसिपल्स हैं वो मुझे बहुत दिल खुश होते हैं मेरे। तो 9 प्रिंसिपल्स में एक है युक्ति। युक्ति सर, ओमकार सर बोल रहे थे युक्ति के बारे में, तो वो एग्जाम्पल देते हुए समझा रहे थे। तो अचानक मुझे एक ख्याल आया कि सर अगर अपने नॉलेज को जूम पे क्लास देकर कमा रहे हैं, और ये कह भी रहे हैं कि युक्ति का इस्तेमाल करो और कमाओ, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाना चाहिए कि जिससे मैं कमाना शुरू करूं। एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, उससे मुझे कुछ स्टूडेंट मिलने शुरू हो गए। और ऐसे ही मैंने 3 कोर्सेज बनाए। पहला था मेरा 370 का, 18 स्टूडेंट आ गए। फिर मैंने सोचा थोड़ा बढ़ के देखना चाहिए, इतने हो सकते हैं तो और भी बढ़ेंगे। मैंने एक दूसरा कोर्स अनाउंस किया वीडियो में, 22 स्टूडेंट आ गए। और अभी मुहर्रम आ रहा था, तो मैंने सोचा अभी ये एक मुहर्रम का भी मौका है, तो इसका भी एक वीडियो और इसका भी एक कोर्स बनाना चाहिए 10 दिन का। तो वो मैंने सर के ही एक वेबिनार में मैं सुन रहा था कि कुछ प्राइस ऐसा रहना चाहिए जिसमें 99 होना चाहिए, तो मैंने 499 का एक कोर्स लॉन्च किया और उसमें मुझे 14 स्टूडेंट मिले। और वाओ ये सब कुछ मिला के 30 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और 1,58,050 रुपये मैं कमा चुका हूँ। यानी 1,60,000 के करीब है ये, और ये मेरे लिए बहुत फैंटास्टिक बड़ी बात है। फैंटास्टिक, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग वाहिद जी, अमेजिंग। आप एक स्ट्रांग इम्प्लीमेंटर हैं और इसीलिए आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, अमेजिंग थैंक यू सर। फैंटास्टिक। मैं अभी फिलहाल मैं 3-4 दिन से ऐसे ख्यालों में घूम रहा हूँ कि मैं तो क्या कर रहा हूँ। मैं मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। और मैं आपका जो जो भी चीजें आती है, मैं उसी दिन वो क्लास की सारी चीजें पूरी करता हूँ। ये मेरा गोल कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें मैंने उर्दू में लिखा है कि मैं नवम्बर तक 3 लाख कमाऊंगा, और अभी नवम्बर में 5 महीने बाकी है और 1.5 लाख यही हो गए। अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो मैं हमेशा यही चीज समझाता हूं सभी को, कोई जरूरी नहीं होता कि आपके पास कोई रॉकेट साइंस नॉलेज हो। आपको जो आता है, जिसमें आप अच्छे हो, वो आपका नॉलेज हो सकता है, आपका स्किल हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, जो आप दूसरों को दे सकते हो, उस चीज को पैकेज कीजिए, उस चीज को मोनिटाइज करना सीखिए। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आपसे कम जानते हैं और आपके इसी नॉलेज के लिए आपको पैसे भी देंगे और शुक्रगुजार भी होंगे। देर इज ग्रेटिट्यूड ऑल्सो इन दिस बिजनेस, और इसीलिए मैं ये करता हूं और और वाकई ऐसा रेकमेंड हो रहा है करता हूं कि आप सर। भी कीजिए। मेरे जितने कोर्स जिन्होंने भी लिए, एक शॉर्ट कोर्स जो मेरा था पहले वो 3 दिन का था, जो 370 का था, वो 1 घंटे की मैं मुराकबा, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, जी। उर्दू में मुराकबा कहते हैं, वो मैं 3 दिन करवाया। हर आदमी ने मुझे, हर उसमें दो तीन वुमेन्स भी थी, उन्होंने भी मुझे फोन करके कहा कि इस सिर्फ 3 दिन से हमारे जिंदगी में बहुत फर्क हुआ, ये वाह छोटी सी कीमत देकर हमने अपने लिए बहुत फायदा का सौदा किया था। और कुछ लोगों ने तो मुझे एक्स्ट्रा पे भी किया, एक शुक्रिया के यस, तौर पर बहुत वेरी सारे नाइस, लोगों ने एक्स्ट्रा भी पे किया मुझे। और फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये कुछ दिन की जर्नी मेरे लिए बहुत एक जादू की तरह है, जादू की तरह है, क्योंकि अभी जो चैनल में 4-5 साल से चला रहा था और वो 18,000 22,000 से कभी पार नहीं हुआ, वो वही सीधे 1.5 लाख पहुंच जाता है, तो ये मेरे लिए एक किस्म का अच्छी बात है, करिश्मा है। फैंटास्टिक। और मुझे लगता है अभी तो आपने ये नॉलेज बिजनेस का दरवाजा खटखटाया है। बस यही है। जब आप इसमें अंदर कदम रखोगे, मल्टीपल फनल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक जर्नी डिसाइड करेंगे, तो फिर पैसा 100% बहेगा, उसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस सब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हो जो आपके दिल के करीब है, प्लस आप और लोगों को ये पढ़ा पा नाइन रहे जो हो। आपके प्रिंसिपल्स हैं,
ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, मैंने अपनी क्लासेस में भी उर्दू में फैंटास्टिक, ट्रांसलेट करके, यस और यस इसके लिए एक एक कुछ जुमले मैंने कहे थे कि अपने स्टूडेंट को कि जी, ये डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, वाह बड़ा इंसान और कामयाब तो वो बनता है जिसके अखलाक, जिसका किरदार अच्छा हो। क्या बात है, ये किरदार जो है आपका, ये शुरुआती जो 3 पॉइंट हैं आपके, हमारे डिजिटल जी आजादी की फैमिली के हमारे जी जो जी 9 प्रिंसिपल्स हैं, वो सत्य प्रेम सेवा जो है, सच्चाई प्यार और खिदमत, ये 3 जो है ये इंसान का किरदार बनाते हैं। करेक्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, और मैं इस वजह से बहुत कनेक्ट हुआ आपसे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने डिजिटल तरह के डिजिटल कोर्सेस में 2-3 जगह गया मैं, लेकिन वहां कोई मुझे ठीक तरीके से सीखना मुझे शायद नहीं आया होगा, क्योंकि वहां कनेक्शन ज्यादा नहीं था, हेल्प ज्यादा नहीं थी, सपोर्ट ज्यादा नहीं था। यहाँ एक अच्छा सपोर्ट भी था, और आप जो है वो रोजाना भी सिखाते हैं, और एक मैं समझता हूँ ये मुझे फील जो होता है, एक बड़े भाई की तरह आप हर चीज को समझाते हुए हमें आगे लेके चलते हैं। ये मेरे लिए बहुत बहुत दिल को छूने की चीज हो गई थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करता रहा, और मैं सोचा भी नहीं था कि इतने कम टाइम में मैं ये सब कर लूंगा, फैंटास्टिक, तो वो अमेजिंग 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 रिजल्ट्स हैं आपके वाहिद जी, और आप बहुतों को इंस्पायर कर रहे हो। सो आई वॉन्ट यू टू कीप अप द गुड वर्क, और इसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ, और इसमें हिंदू मुस्लिम या इसका सवाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने कल्चर को समझना चाहते हैं, और वो ढूंढते हैं ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे टीचर्स को कि जो लॉजिकली, ट्रेडिशनली और साइंटिफिकली इन चीजों को बच्चों को समझा सके, क्योंकि आजकल बच्चे लॉजिक मांगते हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशन है वो 100% लॉजिक पर बिल्ट है, वो टेक्निक है, साइंस है, लेकिन उसे समझाना एक स्किल है जो आपके अंदर है, एंड यू कैन मोनिटाइज इट ब्यूटिफुली। इसका बहुत बड़ा मार्केट है, और ट्रस्ट मी, आप जैसे काम करने वाले लोग बहुत कम है, तो आई थिंक यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। अगर आप इसे सही तरीके से स्ट्रक्चर करोगे तो पैसा तो बहुत होगा ही होगा, साथ में ग्रैटिट्यूड और खिदमत और सेवा आपको बहुत नसीब होगी। और आपने दूसरा जो गोल कार्ड बनवाया था, जी अभी भी आप क्लास में बोल रहे थे कि 1-3 साल में 1 करोड़ का, तो जी मैं समझता हूँ कि आजकल के जो हम इंसान है ना, वो जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं लगता हम तो लोग काम ठीक से करते नहीं, इसलिए सही मैंने 3 करोड़ का टारगेट बनाया है, ताकि कम से कम आधे तक तो या उससे तक भी पहुंच जाओ, और आप लोगों फैंटास्टिक, का अगर साथ रहे और आपके गाइडेंस में हम चलते रहे तो इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। जरूर होगा, हम आपके साथ हैं, और आपके इस सफर में आपको जहां कहीं हमारी हेल्प की जरूरत हो प्लीज हमें मौका जरूर दीजिएगा। 30 दिनों के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से आपने 1,60,000 कर लिया है, तो आपने 3 करोड़ का टारगेट सही लिया है, क्योंकि वो आराम से अचीवेबल है, और मैं आपको ये अचीव कराऊंगा, डोंट वरी। चलिए, थैंक यू वाहिद जी, थैंक यू सो मच, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और इंशाल्लाह हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे।